सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज वो दिन आ गया है, आज नवंबर 23 इंटर स्टूडेंट्स का पहला पेपर है अकाउंटेंसी का। सो आज डिस्कस करेंगे कि वो 3 आवर्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है एंड कैसे कामली पेपर को लिखना है एंड उन 15 मिनट्स को कैसे एफिशियंटली यूटिलाइज करना है एंड लास्ट में एक स्पेशल मैसेज रहेगा। सो वॉच टिल द एंड एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आई होप आप लोगों ने 6-7 घंटे की अच्छे से नींद ली हुई होगी एंड अभी आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। सो जितना रिवीजन हुआ उतना काफी है, ज्यादा आप लोग प्रेशर ना ले कि ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, जितना हुआ उतना काफी है एंड कॉन्फिडेंट रहे जितना पढ़ा है। आपकी जो 3 आवर्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसमें सबसे पहले जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लेना है एंड ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, मतलब ऐसे हल्के पेंसिल से जो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ताकि शुरू से ही आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा या फिर उसको मार्क करके रख लीजिएगा कि पहले इसको करूंगा फिर इसको करूंगा। सो ये आपकी 15 मिनट्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पेपर स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहली चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्वेश्चन 1 को देखना भी नहीं है, मतलब उसको स्टार्ट ही नहीं करना है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो मोरल डाउन कर देता है एंड अगर आपको बहुत अच्छे से भी आता हो तो भी आप उसको स्टार्ट मत कीजिएगा। आप उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको मिडिल में या फिर एंड में कीजिएगा वाले क्वेश्चन को। अब जो आपको फर्स्ट आर रहेगा उसमें आपको ट्राई करना है जितने ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स गेन कर सके, मतलब ऐसा क्वेश्चंस करें जिसमें कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाए। मतलब आपको फर्स्ट आर में ट्राई करना है कि 20-30 मार्क्स आपको मिल जाए एंड आपके 1.5-2 घंटे में आप पासिंग की स्टेज पे आ जाए आराम से। सो पहले घंटे में आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसपे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है एंड आपको पता है कि वो क्वेश्चन सही होंगे। फिर उसके बाद आपको सेकंड जब आर स्टार्ट होगा उसमें आपको ट्राई करना है कि ऐसे क्वेश्चंस करें, मतलब जिसमें थोड़ा सा डाउट है कि ये बनेगा नहीं बनेगा। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए ताकि आपको उसका 50-60% मार्क्स तो मिल जाए एंड आपको अकाउंटेंसी के पेपर में सबसे ज्यादा जो एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा स्टेप मार्किंग का। सो स्टेप मार्किंग की वजह से अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनता होगा तो आप मतलब उस क्वेश्चन को ट्राई भी करेंगे तो उन स्टेप्स की आपको मार्किंग मिल जाएगी। एंड लास्ट आवर में ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मतलब आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन उससे रिलेटेड आपको कुछ आता है तो आप उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हैं ताकि आपको स्टेप मार्किंग के एटलीस्ट मार्क्स मिल सके। आपको वो 1-2 मार्क्स भी अगर मिल गए तो वो पासिंग और फेलिंग का डिफरेंस हो सकता है। सो ये रहेगी स्ट्रेटेजी। और वहां जाके किसी क्वेश्चन को देख के इतना हाइप नहीं होना है कि यार ये नहीं बन रहा है ये नहीं बन रहा है, आपको रिलैक्स रहना है। ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, पूरी क्लास के लिए डिफिकल्ट होगा। सो आपको बिल्कुल काम रहना है, जो जो चीजें बन रही है उनको पहले करते जाइएगा एंड जो चीजें आपको रखनी है इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटर रख लीजिएगा, दो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए एक ने धोखा दे दिया तो एक जरूरी है। उसके बाद वॉटर बॉटल रख लीजिएगा एंड जब पेपर खत्म हो जाए तो प्लीज गुजारिश है किसी से डिस्कस नहीं करना, अगर अच्छा गया तो भी डिस्कस नहीं कीजिएगा और अगर बुरा गया तो भी डिस्कस नहीं कीजिएगा। जो नेक्स्ट पेपर है अभी हमारे पास 7 पेपर और रहेंगे, सो आपको ट्राई करना है कि उन 7 पे अब आके फोकस करें, जो अगला पेपर है उस पर फोकस करें, तो जो हो गया उस पर कुछ कर नहीं सकते। सो प्लीज ये ट्राई कीजिएगा। अभी आपके पास लास्ट 1-2 घंटे बचे होंगे तो आप चिल कीजिए एकदम, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है वहां पे, बिल्कुल अच्छे मूड से जाना है, प्रेशर से नहीं जाना है नहीं तो शुरू में ही काम खराब हो जाएगा। सो एकदम चिल कीजिए, जो आपको देखना है देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ रिवीजन के लिए जरूरी है उसके नोट्स बना के आप एग्जाम सेंटर में ले जाइए, लास्ट में बस उसको पढ़ लीजिएगा, कोई फॉर्मूला हो या कुछ भी हो जो आपको लगे। एंड फाइनली सो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा पेपर एंड फोड़ना है एंड पहला पेपर अगर आपका अच्छा गया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, सो आपको आगे के पेपर्स में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो मेरे को आके एक मैसेज कर दीजिएगा कि कैसा गया पेपर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।